सब्सक्राइब करें मिशन 178 को और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिशन 178 की वीडियो और आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीपीएससी 2018 टेस्ट सीरीज का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा हाल ही में किस देश को ऑफशोर पेट्रोल वेसल सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है? मतलब हमारे जो भारत में निर्मित था ये किस देश को उपलब्ध कराया गया है? तो है इसका राइट आंसर क्या है, श्रीलंका। तो इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। जैसे कि 23 अक्टूबर 2017 को श्रीलंकाई तटरक्षक बल कोलंबो बंदरगाह पर भारतीय तटरक्षक बल द्वारा उपलब्ध ऑफशोर पेट्रोल वेसल सुरक्षा को नियुक्त किया गया है और यह श्रीलंका तटरक्षक का पहला ओपीवी है। मतलब श्रीलंका तटरक्षक जहाज सुरक्षा पहला भारतीय तटरक्षक से संबंधित, पहले भारतीय तटरक्षक से संबंधित था और इसे क्या बोला जाता था, बरुण। मतलब बाद में श्रीलंका के द्वारा इसे परिवर्तित करके क्या बोल दिया गया, सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश जहां आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस बैठक का आयोजन किया जाएगा। मतलब अभी तो हो गया है, ये पीछे का क्वेश्चन है, मतलब अभी ये बैठक हो चुकी है। तो ये कहाँ हो चुकी है दोस्तों, ये फिलीपींस में हो चुकी है। अब इसकी यदि बात करें तो ये फोर्थ संस्करण था इस बार का और इसमें प्रतिनिधित्व, मतलब भारत के तरफ से जो प्रतिनिधित्व किया है, जो हमारी रक्षा मंत्री है निर्मला सीतारमण, उनके द्वारा किया गया और ये इनकी पहली विदेश यात्रा थी। और जो बैठक थी, मतलब ADMMS प्लस क्षेत्र में शांति स्थिरता और विकास के लिए सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए आसियान और उसके 8 संवाद साझेदारों के लिए मंच था। मतलब एक प्लेटफॉर्म था कम्युनिकेशन के लिए जो सभी सदस्य उसके बीच में, मतलब इसका उद्देश्य क्या था, इससे अधिक से अधिक संवाद और पारदर्शिता के माध्यम से रक्षा प्रतिष्ठानों के बीच आपसी विश्वास और विश्वास को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मध्य प्रदेश शहर जहां भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर है कटनी। तो जैसे कि बात करें, जैसे भारत का भौगोलिक बिंदु मध्य प्रदेश के कटनी जिले में करौनी गांव में स्थित है और भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु 24 डिग्री 7 मिनट 11 सेकंड उत्तर तथा 77 डिग्री 41 मिनट 49 सेकंड पूर्वी निर्देशांक पर स्थित है। अब इसके अलावा देखें तो स्वतंत्रता से पूर्व यह नागपुर अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है दोस्तों 15 अक्टूबर को। तो जैसे कि बात करें, ग्रामीण महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका और योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए ये दिवस का आयोजन किया जाता है प्रतिवर्ष है 15 अक्टूबर को। और यह दिवस ग्रामीण और कृषि विकास में वृद्धि, खाद्य सुरक्षा और सुधार, ग्रामीण परिवारों में महिलाओं की भूमिका और योगदान पर प्रकाश डालता है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें ग्रामीण महिला की, तो 15 अक्टूबर 2008 को मनाया गया था, जिसकी स्वीकृति 2007 मतलब दिसंबर 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने संकल्प 62/136 द्वारा मान्यता प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 जून 2017 को किस भारतीय राज्य को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल है। तो जैसे कि पश्चिम बंगाल की बात करें, तो पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी को द हेग नीदरलैंड में जो स्थित है, राज्य सरकार की कन्याश्री प्रकल्प मतलब गर्ल चाइल्ड योजना है ये, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार में सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और कन्याश्री प्रकल्प किशोर लड़कियों की जिंदगी और स्थिति में सुधार के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की एक नई पहल है। यह योजना उच्च शिक्षा के लिए वंचित परिवारों की लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह देश जिसे हाल ही में भारत ने छावार बंदरगाह के माध्यम से गेहूं के प्रथम खेप की आपूर्ति की है, तो जैसे कि यदि बात करें तो छावार बंदरगाह कहाँ पे, ईरान में है, पर पूछा जा रहा है कि जो गेहूं की प्रथम खेप है वो किस देश को आपूर्ति की गई है इंडिया के द्वारा, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, अफगानिस्तान। इसकी बात करते हैं तो मई 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान यात्रा के दौरान एक त्रिपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके तहत क्या हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और ट्रांजिट का कॉरिडोर की स्थापना कर आपसी सहयोग स्थापित किया जाएगा। और इसी क्रम में भारत ने छावार बंदरगाह के माध्यम से क्या हुआ, अफगानिस्तान के लिए गेहूं के प्रथम खेप की आपूर्ति की है। और छावार पोर्ट कहाँ पे है, हमने देखे ईरान में है, तो ईरान में कहाँ पे है, ओमान की खाड़ी पर दक्षिण पूर्वी ईरान में है। अब ये क्यों बनाया गया है, जैसे कि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में चाइना के द्वारा एक बंदरगाह बनाया गया है जिसका नाम है ग्वादर बंदरगाह, तो उसी की टक्कर के लिए इंडिया के द्वारा ईरान में कौन सा बंदरगाह बनाया गया है, छावार बंदरगाह।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोकक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो गोकक जलप्रपात कहाँ है दोस्तों? ये बेलगांव में है। बेलगांव कहाँ पे है? कर्नाटक में है। तो जैसे इसके बारे में बात करें तो ये कर्नाटक के बेलगांव जिले में कृष्णा की सहायक नदी जो है घाट प्रवाह उस नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 52 मीटर है। गोकक नाम वहां पाए जाने वाले जो गोकी वृक्ष है उसकी वजह से रखा गया है। अब बेलगांव की बात करते हैं तो बेलगांव शहर पश्चिम उत्तर कर्नाटक मतलब भूतपूर्व मैसूर बोल सकते हैं उस राज्य के दक्षिण भारत में स्थित है। कहा जाता है कि इस क्षेत्र में पाए जाने वाले बांस पर इसका आरंभिक नाम बेनुग्राम पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जार्विक सेवन क्या है? तो जार्विक सेवन क्या है दोस्तों? ये कृत्रिम हृदय है। अब इसके बारे में बात करते हैं तो जार्विक सेवन जो कृत्रिम हृदय है इसकी खोज की थी जो रॉबर्ट जार्विक है इन्होंने इसकी खोज की थी। और यह कृत्रिम हृदय पहली बार बॉर्न क्लार्क नाम के एक रोगी को 1982 में प्रतिस्थापित किया गया था। अब दिल की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ये पेसमेकर का प्रयोग करते हैं। तो पेसमेकर क्या है? एक प्रकार की चिकित्सा पद्धति है जो दिल की मांसपेशियों से संपर्क करने के लिए इलेक्ट्रोड द्वारा प्रदत्त विद्युत आवेगों का उपयोग करता है। और दिल अर्थात हृदय के मूल पेसमेकर का पर्याप्त तेजी से काम नहीं करने या फिर दिल की विद्युत चालन प्रणाली में अवरोध आ जाने की वजह से पेसमेकर का प्राथमिक प्रयोजन हृदय गति को बनाए रखने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक नृत्य समारोह लोक रंजन कहाँ आयोजित होता है? तो ये इसका राइट आंसर क्या है? खजुराहो में। तो मध्य प्रदेश का जो पर्यटन विभाग द्वारा खजुराहो में प्रतिवर्ष क्या होता है इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। और भारत के विभिन्न भागों में लोक नृत्य तथा आदिवासी नृत्य और पारंपरिक कारीगरों की आकर्षक रचनाएं और शिल्प प्रदर्शन इस महोत्सव में शामिल होते हैं। लोक रंजन महोत्सव मध्य प्रदेश के आदिवासी और ग्रामीण जीवन शैली के रंग और ग्रामीण जीवन शैली के रंग और रचनात्मक को जानने का एक अवसर प्रदान करता है। माधव राष्ट्रीय उद्यान पहले कहाँ के महाराजा का शिकार आरक्षित क्षेत्र था? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है हमारा ग्वालियर। तो इसके बारे में यदि बात करें तो जो ये उद्यान है मध्य प्रदेश के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। यह शिवपुरी के उत्तर में स्थित है। और माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1958 में मध्य प्रदेश के राज्य बनने के साथ ही की गई थी। यह उद्यान मूल रूप से ग्वालियर के महाराजा के लिए शाही शिकार अभयारण्य था। इस उद्यान का कुल क्षेत्रफल की यदि बात करें 354.61 वर्ग किलोमीटर है। और ग्वालियर के माधवराव सिंधिया ने वर्ष 1918 में मनिहार नदी पर बांधों का निर्माण करते हुए सख सागर और माधव तालाब का निर्माण करवाया था जो आज अन्य झरनों और नालों के साथ उद्यानों के इकलौते बड़े जल निकाय है। और इस राष्ट्रीय उद्यान को 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत भी अधिक सुरक्षित बनाया गया है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको 10 ही क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उम्मीद है मतलब कोशिश करेंगे कि आपको 20 क्वेश्चन उपलब्ध कराएं एक वीडियो में, मतलब जो टेस्ट सीरीज है हमारी उसमें एक वीडियो में 20 क्वेश्चन कंप्लीट कराने की हम पूरी कोशिश करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। ये जितना आप शेयर करेंगे उतना हमें मोटिवेशन प्राप्त होगा। और वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले चैनल सब्सक्राइब करें ताकि लगातार वीडियो आपको प्राप्त होते रहे। और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि लगातार मतलब जो लेटेस्ट वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको तत्काल प्राप्त हो। यदि आप पिछले वीडियो देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर प्राप्त लिंक को क्लिक करके पिछले वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।